इसमें कोई दो राय नहीं, बढ़िया प्रयास है आपका, बहुत बढ़िया प्रयास। सुंदर सवाल, सुंदर जवाब, फिर सुंदर और सवाल, कटपीस, फिर एक तर्क संगत बात। भैया ने बताया, क्या बताया, पुनः टिप्पणी करने लगे जनता जनार्दन पर। चंदा चमके चमचम आपको समझ में आया? हमको समझ, आपको समझ में आए ना आए इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जनता जनार्दन का रूप होती है और बड़े मन से, बड़े भाव से, बड़ी आशा से ये समिति हम लोगों को बुलाती है। हम कार्यक्रम कलाकार को फंसाने के लिए नहीं गाते, जनता को हंसाने के लिए गाते। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक पुनः आपने बात कही कि मैंने राखी आजाद की जी के द्वारा ये गीत सुना है कटपीस, बट ये बिल्कुल सुना होगा आपने, क्योंकि अनेक गीत वो हमारे गाते हैं, अनेक गीत गाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने नहीं सुना है, सुना होगा, क्योंकि हमारे मानी सम्मानी गुरुवर पंडित श्री लाल दीक्षित जी एक गाना गाते हैं, अटल बिहारी जी की शादी, क्रांति, क्षमा कीजिएगा, राखी आजाद जी वो भी गाती है। लेकिन बात तो एक विशेष ये है कि गाना राखी आजाद जी ने गाया वो भी हमारे गुरु जी से ही गाते हैं, जितना उनको मिला उन्होंने गा दिया। इसके बाद हमारे गुरुजी ने बताया कि राखी इसमें चार लाइनें और जोड़ लो। मैं राखी जी के ऊपर उंगली नहीं उठा रही हूँ, कई गाना गाती हैं वे। और अगर रही बात कल्पना, तमाम आपने कीर्तनकारों का नाम बताया है, अगर आपको संदेह है ये नीलम का नहीं है, ये नीलम का नहीं, ये घर का नहीं है, नीलम के चुराया गाना है, तो आप फोन लगा सकते हैं, आपके पास नंबर तो होंगे, अगर नंबर ना हो तो फिर मेरे पास तो है। बिल्कुल, क्योंकि जवाब ही कीर्तन का गाना है, जवाब दीजिए। आप कहेंगे मैंने क्रांति माला का नाम लिया, तो मैंने केवल ये बताया, तो क्रांति माला का के द्वारा मैंने सुना है, अच्छा लगा ये गाना, तो आपके द्वारा विशेष बात की नौ आंखों से माता रूं। खैर छोड़िए, इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। छोड़ो बेटा, गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या कपड़ा कौन सा, कि सब कुछ तू जान कर, तो जाएगी तूने राधा के साथ, तो जाएगी।
की बारात, और कहा है ये जवाब देगी नीलम जी, बिन दूल्हे की बारात। आशीर्वाद चाहूंगी सभी जनता जनार्दन का, हमारे भैया केस म्यूजिक वाले भैया विराजमान हैं, अपना अमूल समय दे रहे हैं, क्योंकि आपने गाया है कि बिन दूल्हे की बारात। अब जहां तक मैंने बड़े भैया देखा नहीं कहूंगी, पढ़ा है ग्रंथों में, पढ़ा है पुराणों में, पढ़ा है पाया क्या, हाय हाय।
नहीं किया ना मेरा कसूर है। विशेष तो हर चीज में है। अब बहुत अच्छी बात निकाल कर लाए हनुमान जी महाराज, कह रहे बार बार हुआ क्या क्या गाया है फिल्मी दुनिया वालों ने कि हमने Thank you.
यही घमंड है, यही गुरूर है कि मैं प्रभु का भक्त हूं। तो आपके बाण से आप बचाए ईमा हमरा का कसूर है। को कहा और राजा ने नाम जपकर वो एक बार काट दिया। जो आपने दूसरा बार चलाया सीता राम की सलाह दी, राजा ने सीता राम का जाप करके उनको आपने काट दिया। फिर लक्ष्मण सहित आपका जाप किया, कहना पड़ा हुआ क्या जो ही तर्कस्त से स्वामी आपका तीति करता था। जानता है।
गायब है दुनिया वालों ने क्या कि सुंदरी पवन 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 हाँ
संस्कार कर सको तो कैसे त्यागे लाल ना। महाराज हरिश्चंद कहने लगे, तारावती आज मेरी ये दशा है, मैं उस दशा को नहीं छोड़ सकता। क्या बात, ये दशा मेरे किस कारण है, मैं उस कारण को नहीं छोड़ सकता। सुनेगा कौन सा कारण है। मैं सत्र प्रतिशत की मेरी धारणा भूले ना, तो कभी भूले ना।
बहुत हो गई। राजवीर भैया सुनिए। दोनों ग्यारह
भाव एक है, सभी का भाव एक है, भाग जाना, भाग जाना। हुआ क्या, सूर्पनखा अपने भाई खरदूसर के पास पहुंची, कहा भैया हमारी सीमा में दो युवक आए हैं जिनके द्वारा मेरी दुर्दशा है, बताने लगे। हुआ क्या, जब हम कली है अति संगा लक्ष्मण पति है यही की नाथ।